Chant Palace presents Varley's Kitchen with Ajay Chopra. Sometimes I really think, how fortunate are we? हमें पैदा होते ही अच्छी अच्छी चीजें मिली, खेलने के लिए खिलौने मिले, खाने के लिए अच्छा खाना मिला, हॉस्पिटलाइजेशन मिली जब बीमार हुए, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। अब उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन्हें ये सब चीजें नहीं मिली। दिया फाउंडेशन, हम चाहते हैं कि दिया बासमती राइस के जरिए इन बच्चों के चेहरों पर एक मुस्कान लाएं। चावल जो दे मुस्कान, दिया बासमती राइस। वेलकम टू वर्ल्ड्स किचन विद योर होस्ट शेफ अजय चोपड़ा। टुडे वी गोना मेक अ लवली वेज बिरयानी। जब भी सब्जियों की बात होती है, बच्चे कोसों दूर भागते हैं। नहीं मम्मी, मुझे सब्जी नहीं खानी। मॉम ट्राइज टू मेक सब्जी इन ऑल द पॉसिबल वेज। कभी पराठे में रोल कर रही हैं, कभी सब्जी को चॉप करके आटे में गूंद रही हैं, कभी इंस्टेंट नूडल्स में मिला के दे रही हैं। दे ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। हैव यू ट्राइड दिस लवली सब्ज बिरयानी? चिल्ड्रन विल लव इट। द ब्यूटी अबाउट दिस रेसिपी इज दैट इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? मैं इसमें मिर्च डाल रहा हूँ, आप मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। दिया बासमती राइस यूज हो रहा है तो फ्लेवर तो बहुत है। चलिए वेज बिरयानी के लिए सबसे पहले वेज बिरयानी का झोल बनाते हैं। झोल मींस करी। अ लिटिल बिट ऑफ सिनेमन, अ लिटिल बिट ऑफ मेस, थोड़ी सी मोटी इलायची, थोड़ी सी हरी इलायची, एक बार जब ये गरम मसाले भुन जाएं, उसके बाद हम डालेंगे पतला कटा हुआ प्याज। इंडिया में बिरयानी कई तरीके से खाई जाती है। कुछ लोग उसे झोल में बनाते हैं और फिर उसे दम देते हैं। कुछ लोग पैन पे बनाते हैं और बोलते हैं बिरयानी है। बिरयानी हैज टू बी ऑन दम, दैट्स वेयर द ऑथेंटिसिटी लाइज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेकिन जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ी अलग तरीके से, 2 चम्मच पानी में घोल के। वो इसलिए क्योंकि इस स्टेज पे प्याज काफी गर्म है एंड आई वांट टू लोअर द टेम्परेचर। I want to make sure that the ginger garlic paste doesn't burn. At the same point of time, the onions don't go limp. थोड़ा सा हल्दी पाउडर, essential ingredient in Indian cooking. थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसे भूनने के बाद मुझे डालना है थोड़ा सा दही, लेकिन दही मैं आंच से बाहर निकाल के डालूंगा ताकि वो फटे नहीं। One quick tip, जब भी आप किसी भी ग्रेवी में दही डाल रहे हैं, हमेशा गैस से उतार के डालिए और जैसे ही आप डालें उसको क्विकली स्टर करते रहिए, नहीं तो दही फट जाएगा। और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे सब्जियां। दही जब भुनने लगेगा तो हल्का हल्का तेल छोड़ने लगेगा। दैट इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट एडिंग योर वेजिटेबल्स। आई एम गोना ऐड द कैरेट्स फर्स्ट बिकॉज दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कुक। अगर ये डिश आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यू कैन अवॉइड द चिलीज। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो ट्राई सम चिलीज, दे टेस्ट वेल। अब इसमें मैं डालूंगा थोड़े से मटर। सर्दियों में जो मटर खाने का मजा है, साथ ही मैं डालूंगा थोड़ी सी गोभी और थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स। नाउ इफ यू रियलाइज दिस इज अ नाइस विंटर वेजिटेबल स्ट्यू, लेकिन दिया बासमती राइस के साथ ये बन जाएगी एक बहुत ही खूबसूरत वेजिटेबल बिरयानी। नाउ व्हाइल्स द वेजीज आर कुकिंग, आई वांट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर सो दैट दे कुक नाइसली। सब्जियां पक रही हैं, इस समय मैं इसमें नमक डालूंगा और डालूंगा थोड़ा सा फ्रेश फ्लेवरिंग जो कि है चॉप मिंट और चॉप कोरिएंडर। बढ़िया बिरयानी बने और मेरा फेवरेट बिरयानी मसाला ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह है बिरयानी मसाला जो मैं खुद बनाता हूँ। इट इज़ अ सिंपल कॉम्पोजिशन ऑफ सिनेमन, कार्डमम, क्लोव्स, अ बिट ऑफ शाही जीरा एंड अ बिट ऑफ ब्लैक पेपर। अमेजिंग। सब्ज बिरयानी का जो झोल है वो पक रहा है, सब्जियों में फ्लेवर आएगा, लेकिन उसके ऊपर से मैं थोड़ा और झोल डालूंगा। वो डिफरेंट झोल होगा, वो होगा क्रीम, बटर, घी, सैफरन। ओ माय गॉड, सो मच ऑफ फैट, सो मच ऑफ फ्लेवरिंग माय फ्रेंड। एक पैन में आई वांट टू जस्ट मेल्ट सम बटर एंड घी टुगेदर। अब अगर आप बटर और घी नहीं मिलाना चाहते तो सिर्फ आप घी से भी बना सकते हैं। सम कुकिंग क्रीम, मिक्स इट वेल एंड ऑल आई हैव टू ऐड इज अ लिटिल बिट ऑफ सैफरन, द बेस्ट थिंग दैट द अफगान्स कुड गेट टू इंडिया, सैफरन।
सब्स बिरयानी में बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर आ रहे हैं. नाउ आई वॉन्ट टू जस्ट टेक आउट सम एंड लेयर द बिरयानी. दिया बासमती राइस को मैंने 2 घंटे सोक किया है और उसे हल्के से क्रीम बटर सैफ्रन के साथ पुलाव बनाया है. एंड जस्ट स्प्रेड दिस अराउंड सो दैट आई कैन लेयर माय वेज बिरयानी और माय सब्ज दम बिरयानी. नाउ दिस लवली झोल ऑल अराउंड दिस इज गोना गिव इट सो मच ऑफ रिचनेस. ये थोड़ा सा जो सब्ज बिरयानी का झोल है इसे हम वापस से ऊपर डालेंगे. जस्ट कवर इट बैक विद सम मोर पुलाव राइस. ब्यूटिफुल रिच झोल राइट ऑन टॉप. अब इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप धनिया, ब्राउन प्याज, बिरयानी एसेंशियल्स लाइक अ बिरयानी किट. इफ यू मेकिंग अ बिरयानी शुड ऑलवेज हैव देम. थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा पतला कटा हुआ जिंजर, अ पिंच ऑफ बिरयानी मसाला एंड देन 10 से 12 मिनट तक द मैजिक लिड विच डज नॉट लेट एनी स्टीम गो अवे एंड माई बिरयानी कैन कुक ऑन अ वेरी स्लो फ्लेम ऑन दम. द लिड is so hot that I can't put my finger on this, which means that this is done. Meri thali tayar hai. I've got this beautiful collection of brass where I love to put Indian food in. Wow! A biryani, which is veg, can look so divine, smell so amazing, can only happen with Diya Basmati rice. Ek pan mein 3 tablespoon oil ko garam kare, 2 cinnamon sticks, 1 teaspoon mace, 3 se 4 green cardamom. और एक पतला कटा हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि थोड़े से पानी में मिक्स किया हुआ है, 1 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 5 से 6 टेबलस्पून दही. अब दही को अच्छी तरह कुक करें जब तक इसका तेल ना निकल जाए. तो उसमें डालें 1/2 कप कैरेट्स, 2 स्लिट ग्रीन चिलीज, 1/2 कप ग्रीन पीस, 1/2 कप गोभी, 1/2 कप फ्रेंच बीन्स, 1 ग्लास पानी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून चॉप मिंट, 1 टीस्पून चॉप कोरिएंडर, 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला. 10 से 12 मिनट तक और कुक करें. 2 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून घी को अच्छी तरह मेल्ट करें. अब उसमें 1 कप कुकिंग क्रीम मिलाएं, 1 पिंच सैफ्रन डालें और इसे उबाल लें. एक पैन में सब्जियों को झोल को नीचे फैलाएं, उसमें डालें 1 कप दिया बासमती राइस का पुलाव, उसके ऊपर डालें 1 कप झोल, 1 टेबलस्पून चॉप कोरिएंडर, 1 टेबलस्पून ब्राउन अनियन, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली, 1 टेबलस्पून जिंजर जूलियन. बिरयानी मसाला डाल के इसे 10 से 12 मिनट तक दम पे पकाएं. I think one thing I absolutely did right. Chose the right profession. Cook good food, eat good food.